हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। तो जैसे कि हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज एक नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। तो आज इसका बेसिक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है और ये आप वीडियो देखने के बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बचेगा। जितने भी आपके इसमें टाइप्स होंगे, सारे टाइप मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ, और फटाफट आप फिर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आसानी से कर पाओगे। तो चैप्टर का भाई नाम है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, लाभ हानि एवं बट्टा या फिर छूट जिसे हम बोलते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात तो है, जितनी भी आप वीडियोज़ हैं पहले वो साथ के साथ देख के चलें भाई। कंटेंट उसमें सारा ऐसा है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जिनका भी अभी एग्ज़ाम आ रहा होगा तो वो पहले उन वीडियो को जरूर देख के जाए, क्योंकि उनमें वही क्वेश्चन कराए गए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा या फिर अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे क्वेश्चन, तो वे क्वेश्चन कम से कम वे वीडियोज़ तो आप एक बार कर सकते हैं। उससे आपको शायद पेपर में कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो ये होता क्या है भाई, सबसे पहले बड़ी सिंपल सी बात है, देखो बहुत आसानी से समझाऊंगा, एक एक चीज़ तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, लाभ। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ, यानी कि जो भी आपको मुनाफा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, अब एवा बताओ, सबसे पहले स्टार्टिंग जब करते हैं प्रॉफिट की, तो दो तीन चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म जो है आपकी वो है क्या, सीपी। सीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है मेरे प्यारे भाई, कॉस्ट प्राइस। सीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है भाई, लागत मूल्य। ठीक है, किसी भी चीज को तुमने जितना भी उसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तुमने जितने की उसको खरीदा है, वो तुम्हारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कंप्लीट प्राइस की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम एक वॉशिंग मशीन खरीद कर लाए, तुम क्या खरीद कर लाए, एक वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन का जो प्राइस था वो कितना था भाई, मान लेते हैं 15,000। कितने की थी वॉशिंग मशीन, 15,000। ठीक है, तो अब मान लो, लेकिन अगर क्या उसका इंस्टॉलमेंट के चार्जेस भी लगे होंगे, है ना, मिस्त्री आया होगा घर पे लगाने के लिए, कोई पाइप वगैरह सारी चीजें आएंगे, मान लो 1,000 रुपये और लगे होंगे इंस्टॉलमेंट वगैरह सारी चीजों को मिलाकर। तो जो आपको ये टोटल मशीन पड़ी, टोटल जो प्राइस है आपका, वो कितना खर्च हुआ आपका, 16,000 रुपये। कितने पैसे खर्च हुए आपके, 16,000 रुपये। तो जो आपके लिए है ना वो कॉस्ट प्राइस कितनी है इस वॉशिंग मशीन की, 16,000 रुपये। यानी कि टोटल कॉस्ट की इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारी वो कितनी होगी, 16,000 रुपये। आई बात समझ में सभी को, लागत मूल्य है, कितना पैसा आपने टोटल लगाकर उस चीज को खरीदा है। क्लियर है बात सभी को। तो ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल हो गया हमारा, किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करता हूँ क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इसको हम क्या बोलते हैं भाई, विक्रय मूल्य। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेचने वाला प्राइस, जिसमें तुम किसी भी वस्तु को क्या करते हो, बेचते हो। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस जितना भी पैसा लगा के तुमने वस्तु को खरीदा, सेलिंग प्राइस जितने पैसे में तुमने वस्तु को क्या करा भाई, बेच दिया। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ, है ना, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, तुम्हें मजा आएगा, मुझे तो देखो मजा आता ही है पढ़ाने में। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, मान लेते हैं वही वॉशिंग मशीन तुमने थोड़े दिन चलाई, तुम्हें मजा नहीं आया, तो तुमने क्या करा उसको, सोचा कि बेच देते हैं। तो तुम्हारा कोई दोस्त है मान लो, तो तुमने कहा कि इसको बेच रहे हम। तुमने टोटल कितने खरीदी थी, 16,000 की खरीदी थी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस। तुमने कहा चलो इसको अब बेच देते हैं, तो सेलिंग प्राइस 14,000 में तुमने क्या करा इसको भाई, बेच दिया। किसे, अपने दोस्त को। क्लियर है बात सभी को, 14,000 में तुमने क्या करा इसको, अपने दोस्त को बेच दिया। तो जिस प्राइस में तुमने इसको बेचा, ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। आई बात समझ में, बताओ इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट क्या होगा भाई। अच्छा यहाँ देखो, तुमने 16,000 में कोई चीज खरीदी, अब कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल, 16,000 में खरीदी, 14,000 में बेच दी। इसे कोई अनपढ़ आदमी बता देगा, ठीक है ना, किसी से पूछोगे वो भी बता देगा कि क्या हुआ भाई, 16,000 में कोई चीज खरीदी और 14,000 में हमने बेच दी, तो हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, नुकसान, तो यानी कि लॉस हो रहा है। अगर मान लो यही 16,000 की चीज़ हम 18,000 में बेच देते, 18,000 रुपीज़ में क्या कर देते, बेच देते, तो हमें क्या होता, प्रॉफिट होता। क्लियर है बात सभी को।
और एक केस और बनेगा आपका, जिसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 16,000 की आपने खरीदी और 16,000 की आपने क्या करा, इसको बेच दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई क्या होगा नुकसान होगा। तो ये तीन चीजें आपकी बनती है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से हमें पता चलता है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट है, लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब लाभ कैसे निकलेगा लेगा भाई, लाभ कैसे निकालेंगे हम। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और तुमने ये वस्तु बेच दी कितने में, 120 रुपये में। तो 100 रुपये का सामान तुमने कितने में बेचा, 120 रुपये में बेच दिया, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। और कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का। तो ये 20 रुपये का प्रॉफिट कहाँ से निकल के आया, कैसे पता चला, जब तुमने सेलिंग प्राइस में से क्या करा, कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें क्या पता चला, प्रॉफिट का पता चला। यानी कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है भाई, एसपी माइनस सीपी। क्लियर हुई ये बात सभी को। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ लॉस की, नुकसान। देखो, ये 16,000 की लाए थे तुम वॉशिंग मशीन खरीद के, और तुमने 14,000 रुपीज में क्या कर दी, सेल कर दी, तो तुम्हें नुकसान हो रहा है। अब नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से 2,000 का नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान कैसे पता चला, जब तुमने कॉस्ट प्राइस में से क्या घटाया होगा, सेलिंग प्राइस क्या कर दी होगी, माइनस कर दी। तो प्रॉफिट हमारा होता है क्या, एसपी माइनस सीपी, और लॉस हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्लियर है बात सभी को। तो बड़ी प्यारी सी सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को भी। चलो, नो प्रॉफिट नो लॉस का तो तुम्हें पता ही है, जितने का तुमने सामान खरीदा और उतने में तुमने बेच दिया, तो ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई हमें क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, चलो। अब लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है हमारा, ये वाला, इसमें हमारे से प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछेगा वो डायरेक्ट, हमारे से क्या पूछेगा, वो परसेंटेज में पूछेगा कि बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, बताओ लॉस परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो वो हमारे से परसेंटेज में पूछेगा, तो हमें सारी कहानी जो है वो किसमें बतानी है, परसेंटेज में। तो चलो मान लेते हैं कि अगर सीपी हमारी कितनी है, 100 रुपये है, और सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं कितनी, 120 रुपये। ठीक है, अगर मुझे निकालना है क्या मेरे प्यारे भाई, प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ का पता होना जरूरी है कि प्रॉफिट है कितना। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, अभी पढ़ा हमने पीछे की, जो प्रॉफिट है ना वो कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज आपको निकालना हो, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा वो तो है ही, अपॉन में हमेशा क्या आएगा, सीपी। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा, और परसेंटेज निकाल लिए तो मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, सीधा प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर है बात सभी को, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी लॉस परसेंटेज की। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो बताओ लॉस कैसे निकलेगा, लॉस लॉस क्या होता है भाई, सीपी माइनस एसपी। और परसेंटेज चाहे आपका प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज आपका लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो हमेशा जो बेस में है ना वो हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, सीपी इंटू 100। तो यानी कि ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, लॉस परसेंटेज। आई बात समझ में, तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पता चला। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, और हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। क्लियर है बात सभी को, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। इतनी बात सभी को क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बड़ी क्लियर करके चलूंगा, ये ध्यान से समझ लेना। इसके बाद तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन है उनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लेते हैं भाई किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 300 रुपये था, और वो वस्तु हमने 500 रुपये में बेच दी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये और बेच दी हमने कितने, 500 में। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही हो रहा होगा, प्रॉफिट तो तुम देखते बता दोगे कि 200। लेकिन मैं पूछता हूँ बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले लाभ निकालोगे भाई, कितने का लाभ हो रहा है, 200 का। तो लाभ यहाँ पे रखोगे ऊपर, बटे में क्या रखोगे, सीपी इंटू क्या कर दोगे, 100। ऐसे ही आप निकालोगे। ठीक है, तो
यानी कि 200/3 जो कि आपका कितना हो जाएगा 66 होल 2/3%, तो 66 सही 2/3% आपका क्या आ गया लाभ प्रतिशत। ऐसे ही करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ मान लो किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 रुपये, ठीक है, उसको मैं इस बार हमने कह दिया कि 10% के, उसको हम क्या कर रहे हैं 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, उसको हम क्या करते हैं 20% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है भाई। कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 रुपये, प्रॉफिट कितने पर बेचते हैं 20% के, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लोगे भाई, कॉस्ट प्राइस का 20% निकाल लोगे भाई, इसका 20% कितना है, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 100 रुपये, यानी कि ये 100 रुपये के लाभ पर हमने क्या होगा बेची होगी, प्रॉफिट कितना आ गया 100 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 500, 100 रुपये के लाभ पे बेची, यानी कितने में बेची होगी 600 रुपये, ठीक है। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे उल्टा कह देता हूँ कि भाई मान लो कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेची है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपये, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 600 रुपये, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब देखो सवाल उल्टा हो गया, तो लेकिन जो रेशो मेथड है, जो रेशो है ना, रेशो हमने जो पढ़ा है वो भाई हर जगह काम करता है, मैंने तुम्हें कहा था कि रेशो ध्यान से पढ़ लेना और परसेंटेज ध्यान से पढ़ लेना, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इनके बिना अर्थमेटिक में कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज काम आएगी भाई, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, है ना, 20% कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है आपका 1/5। अब देखो जो ये बेस है आपका, ये बेस किसको डिनोट करता है, सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, 20% किसे डिनोट कर रहा है ए को, तो ये अगर प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो प्रॉफिट को डिनोट करेगा, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस को डिनोट करेगा, ठीक है। ये छोड़ो अभी इससे फ्रैक्शन को भी, प्रॉफिट 20% का है तो अगर मैं कह रहा कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120 होगी, मान के चल रहे हैं हम, बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत है क्या इस बात में। अगर कॉस्ट प्राइस कह रहा हूँ मैं 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 120 होगी, जब 20% का प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 600, यानी कि 120 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600, तो एक की कितनी आ जाएगी, देखो 5 बार जा रहा है तो 100 की कितनी आ जाएगी 100 × 5 यानी कि 500 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी आपकी 500 रुपये, आई बात समझ में। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो सीपी है ना वो उसे मान के चलते हैं हम, कितनी रहेगी 100%, सीपी को हम कितना मान लेंगे 100%, प्रॉफिट कितना हुआ भाई 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120%, सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपकी 120%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट प्राइस दे रखी थी 500 रुपये, तुम्हें पता है कि कॉस्ट प्राइस 100% होती है, कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%, यानी कि 100% की वैल्यू 500, और तुम फिर सीधा सीधा यहाँ से क्या निकाल दोगे सेलिंग प्राइस, यानी कि 120% की वैल्यू, 1% 5, 12% कितना 120% कितना 600 रुपये, तो ये आपका तरीका होगा क्वेश्चन करने, ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं वहाँ पे आपके साथ करूँगा डिस्कस, ठीक है, अभी इतनी टेंशन मत लो। देखो अगर बात करते हैं हम किसकी, लॉस परसेंटेज की, मान लो 500 रुपये है किसी वस्तु का मूल्य और उसने 300 रुपये में बेच दी, 300 रुपये में उसने क्या कर दी बेच दी, तो बताओ 200 रुपये का नुकसान हुआ, कितने पर नुकसान हुआ, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, कितने पर हुआ 500 रुपये पर, इंटू क्या कर दोगे 100, तो कितना आ जाएगा 40% का क्या है नुकसान। अब देखो यही चीज़ हम रेशो से भी कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी, अगर मान लो वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी फिर क्या होगा, तुम यहाँ पे सी पी एस पी का रेशो लो, ये 0 से 0 हट गई, तो 5 का सामान तुमने 3 में बेचा, तुम्हें कितने का नुकसान हुआ 2 का, कितने पर, हमेशा नुकसान किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पर, 5 × 100, तो जो आंसर है वो कितना आ गया 40%। अगर यहाँ पर वैल्यूज टफ होंगी तो हम जो भी सी पी एस पी है उसका क्या रेशो लेकर आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या है निकाल सकते, आई भाई बात समझ में। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या करना है कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, तो इसको बड़े ध्यान से समझना सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलो अब आगे चलते हैं, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 500, अगर मान लो प्रोडक्शन की बात करते हैं एक्चुअल में होता क्या है, मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, कुछ भी मान लो तुम बनाते हो उसमें, तो तुमने किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो कितने रुपये रखी 500 रुपये रखी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट आई 500 रुपये, सारा बिजली पानी खर्च मिला के टोटल जो भी एक वस्तु पे जो खर्च आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 रुपये का आ रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो उसको मार्केट में उतारोगे भाई, तुम बल्क में प्रोडक्शन करोगे, तुम क्या करोगे उसको फिर मार्केट में उतारोगे, तो जब भी तुम उसे मार्केट में उतारोगे तो तुम
ये तुम कोई भी देखते हो, शर्ट है, पैंट है, कुछ भी, कोई भी चीज है, उसके ऊपर हमेशा क्या एक स्टिकर चिपका होता है, जिसको हम MRP बोलते हैं, या फिर MP भी बोलते हैं, या फिर प्रिंटेड रेट भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, मान लो मैं कह देता हूँ, मान लो 1,000 रुपये कर दिया हमने मार्क प्राइस। ठीक है, कितना कर दिया, 1,000 रुपीज। तो ये मार्क प्राइस होगा आपका, यानी कि अंकित मूल्य, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य, यानी कि जो स्टिकर चिपका होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये प्राइस होता है जिस पर आप इसको बेच सकते हो, इससे ज़्यादा में कभी नहीं बेच सकते हो। ठीक है ना, इससे ज़्यादा अमाउंट में नहीं बेच सकते। तो अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर MP बोल देते हैं, मार्क प्राइस, ये कितना है भाई, 1,000 रुपये। तो तुमने क्या करा, मार्केट में उतार दिया, 1,000 का स्टिकर लगाया कि भाई 1,000 रुपये में अपना आर्टिकल हम बेचेंगे। ठीक है, तो अब यानी कि तुमने क्या करा, तुमने टोटल प्रोडक्शन में कॉस्ट तो 500 रुपये लगी, लेकिन तुमने मार्कअप कर दिया भाई, रेट बढ़ा के तो लगाया तुमने स्टिकर, तुमने क्या करा, मार्कअप। मार्कअप का मतलब रेट बढ़ा के, रेट बढ़ाना। ठीक है, तो मार्कअप कितने का करा तुमने, 500 रुपये का करा मार्कअप, कितने का करा तुमने, 500 रुपये। जो तुमने रेट बढ़ाया वो कितना बढ़ा दिया, 500 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, मार्कअप परसेंटेज की, ध्यान से सुनना भाई ये बात, अगर हम बात करते हैं किसकी, मार्कअप परसेंटेज की, कितना हमने मार्कअप किया, कितना हमने रेट बढ़ाया, तो वो कैसे लिख लेगा भाई, जितना हमने मार्कअप करा, जितना हमने रेट बढ़ाया, अपॉन जो मार्कअप परसेंटेज है ना, वो भी किस पर निकाला जाता है आपका मेरे प्यारे भाई, कॉस्ट प्राइस पर। किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो अपॉन CP इंटू क्या कर दोगे, आई बात समझ में, तो मार्कअप परसेंटेज ऐसे लिख लेगा, बताओ कितने का मार्कअप था, 500 का, अपॉन CP, CP कितनी है, 500 इंटू क्या कर दो, 100, यानी कि जो मार्कअप परसेंटेज है वो कितना है, 100%, यानी कि तुमने रेट 100% ही बढ़ा दिया, 500 पे 500 ही बढ़ा दिया, यानी कि 1,000 रुपये तुम्हारा क्या हो गया, मार्क प्राइस। इसको हम क्या बोल देते हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन अब मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें एक, कि अब ये 1,000 रुपये का स्टिकर लगाया, तो रेट लोगों को लग रहा है ज़्यादा महंगा, तो लोगों ने खरीदना क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि तुम्हारा ये आर्टिकल बिका नहीं अच्छे से। ठीक है, तो तुमने क्या कहा कि भाई अब प्रोड्यूस तो कर चुके हैं, स्टॉक में इतना रखा हुआ है, तो बेचना तो पड़ेगा ही। तो फिर तुमने दिमाग लगाया कि चलो कुछ करते हैं, क्या करते हैं, इसको कुछ डिस्काउंट पे दे देते हैं, इसको कुछ क्या दे देते हैं, थोड़ा कम में बेचते हैं, तो अब ये बिकना शुरू हो जाएगा। यानी कि तुमने 1,000 का जो स्टिकर लगाया, मान लेते हैं उस पर 100 रुपये का क्या दे दिया, 100 रुपये कम कर दिए, 100 रुपये क्या कर दिए, कम कर दिए। 100 रुपये कम करने का मतलब क्या है, डिस्काउंट। 100 रुपये कम करने का मतलब क्या है, डिस्काउंट, यानी कि तुमने क्या करा, इसको 900 रुपये में बेच दिया। 900 रुपये में बेचना, बेचने को क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस। भाई बेचना ही किसी वस्तु की क्या होती है, सेलिंग प्राइस, यानी कि तुमने इसको क्या करा, आर्टिकल को बेच दिया, कितने रुपये में, 900 रुपये में। तो यहाँ से तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि जो मार्क प्राइस है उस पर हमने क्या दिया, डिस्काउंट 100 रुपये का, और फिर वो आर्टिकल बिक गया कितने में, 900 रुपये। यानी कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट ही आपका क्या है, देने के बाद ही आपका जो बिका उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस दो तरीके से लिखी जा सकती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दो तरीके से लिखी जा सकती है, एक तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस प्लस जो उस पर क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। भाई यहाँ से यहाँ तक जो ये बिकी, ये प्रॉफिट ही तो होता है तुम्हारा, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है, जितने की खरीदी, जितने में बेच दी, फाइनल क्या, प्रॉफिट मिल गया है ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस को मैं क्या भी लिख सकता हूँ भाई, जो उस पर मार्कअप प्राइस था, जो मार्क प्राइस था, जो उस पर स्टिकर चिपका हुआ था, माइनस जितना हमने क्या करा, डिस्काउंट। तो बताओ ये दोनों एक ही बात है क्या, सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल होगी ना। ठीक है, अब देखो यानी कि 100 रुपये का क्या हुआ, डिस्काउंट। तो भाई एक बात और होती है आपकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज। तो एक बात हमेशा यहाँ ध्यान रखना, जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। एग्जाम्पल तुमने देख लिया, तुम दुकान पे जाओगे, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, बुक खरीदने जाते हो दुकान पे, तुम जाओगे, बुक का तुमने कीमत देखा कितनी, 500 रुपये, बुक पर स्टिकर चिपका हुआ था, MRP कितना, 500 रुपये। लेकिन तुम 500 रुपये में थोड़े लेके जाते हो, बुक क्या करता है, बुक सेलर एक परसेंटेज डिसाइड करके रखता है कि ये वाली बुक 10% डिस्काउंट पर, ये वाली 15%, ये वाली 20% होता है ऐसा। तो अगर मान लो 500 रुपये की कोई किताब थी, और उसने कहा जाते हैं कि तुम्हें कि भैया 10% डिस्काउंट तुम्हें दे दूंगा, तो वो 10% डिस्काउंट किस पे देगा, जो मार्क प्राइस, जो आर्टिकल पर छपा हुआ रेट है उसी पर तो देगा। तो 500 का 10% कितना होता है, 50, ये तुम घटा देते हो फटाफट, और उस शॉपकीपर को 450 रुपये पकड़ा कर चले आते हो, ऐसे होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कैसे निकलेगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100।
क्लियर बात सभी को, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा भाई ऐसे, आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या मार्कअप परसेंटेज, ये आपका कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करा जाता है, और डिस्काउंट परसेंटेज आपका किस पर कैलकुलेट करा जाता है, मार्क प्राइस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से इस चीज़ में, तो क्लियर सभी को। अब इसके बाद एक बात और डिस्कस करता हूँ मैं आपका, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 500 की आपकी क्या थी, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, 1000 रुपये का हमने क्या चिपका रखा है उस पर, स्टीकर चिपका रखा है यानी कि मार्क प्राइस है उसकी, और 100 रुपये का हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया, यानी कि जो 900 रुपये है वो हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर है बात सभी को भाई? तो मेरे प्यारे भाई देखो क्या हो रहा है, तुमने मार्कअप करा कितने का, स्टिकर चिपकाया कितने का, 500 रुपये ज़्यादा का, यानी कि 1000 तुमने क्या करा, मार्कअप कर। अब मार्क प्राइस 1000 हो गया, अब तुमने 100 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो तुम्हारी जो चीज़ है वो कितने की बिक गई, 900, यानी कि ये सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ कुल मिला के तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई, जितने का सामान तुमने, मतलब जितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो, और जितने में तुमने उसे बेच दिया, तो बताओ तुमने पैसा कितना लगाया इसको बनाने में, 500 रुपये, और तुमने बेचा कितने में, 900 रुपये में, तो बस यही तो प्रॉफिट है, बताओ यही से ही तो प्रॉफिट बोलते हैं, यही क्या है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, 400 का, कितने पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर होगा हमेशा 500 × 100, तो यानी कि जो भी आपका आ गया 80% आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बात सभी को? अगर मैं पूछता बताओ डिस्काउंट का परसेंटेज कितना रहा, डिस्काउंट परसेंटेज कितना रहा, तुमने कहा कि भाई 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, 1000 रुपये पे हमें डिस्काउंट दिया, तो यानी कि 10% हमें क्या दिया गया, डिस्काउंट। तो मैं बात करता परसेंटेज की, तो प्रॉफिट परसेंटेज होता हमारा कितना, 80%, और डिस्काउंट परसेंटेज हमारा कितना होता है, 10%। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, ये तो मैंने परसेंटेज में तुम्हें बता दी बात। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का रिलेशन है आपस में, सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का आपस में रिलेशन, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो लिखा जा सकता है। ठीक है, और भाई उससे पेपर में इतने सवाल आते हैं बहुत, हर बार पेपर में तुम्हें उससे सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सवाल भी मैं तुम्हें बहुत सारे करवाऊंगा, पहले इस रिलेशन को एक बार देख लेते हैं भाई, ये बेसिक ध्यान से पढ़ लेना, कभी कहो क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसे एक बार ध्यान से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बहुत फायदा हो जाएगा, तुम्हें काफ़ी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीपी, ये आपकी सेलिंग प्राइस और ये आपकी मार्क, नए नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा तुम्हें बीच बीच में। ठीक है, चलो अब एक बार बताओ कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो मैं इसे पी परसेंट के प्रॉफिट पर बेचता, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पी परसेंट के प्रॉफिट पर बेचता। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बताओ सेलिंग प्राइस अगर मैं लिखता, तो सेलिंग प्राइस कैसे लिखते, सेलिंग प्राइस क्या होती है भाई, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस पी परसेंट, ये तो होती है, बताओ। अरे बता दो भाई, यही तो होती ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई हमने देखो, मैंने तुम्हें अभी बताया था यहाँ पे, क्या बताया था, मान लो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लिख के बता रहा 10% का प्रॉफिट, तो तुम 100 का 10% निकालते कितना हो जाता, 110, इसमें जोड़ देते प्रॉफिट 10, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाती। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आ रही है, सेलिंग प्राइस जो भी तुम्हारी सीपी है, सीपी मान लो 100 है ना, तो 100 का कितना, जो भी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10, तो यानी कि 110%, मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था क्या करना है, तो इसका अगर 110% निकालोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 200 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 200 रुपये, अगर मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट 10% हो रहा है, तो तुम क्या करते हो, इसका पहले 10% निकाल लोगे फिर इसमें जोड़ोगे, जब भी तो आएगी सेलिंग प्राइस। भाई मैंने तुम्हें कहा था कि कॉस्ट प्राइस को 100% मान लो, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो, 100%, प्रॉफिट 10% का हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है तुम्हारी, 110%। आई बात समझ में? तो 100% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू 2, तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाती थी, 220 रुपये। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे है, ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस का क्या, 100 प्लस पी परसेंट, जैसे मैं वहाँ 10% प्रॉफिट कह रहा, तो वो कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाती है, 110% हो जाती है, तो यहाँ पे 100 प्लस पी परसेंट लिखेंगे। बताओ क्लियर होगी क्या बात, अब क्लियर होगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें बता दिया। दूसरी बात, अगर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे हम क्या दे रहे हैं, डी परसेंट का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्क प्राइस पे हम क्या दे रहे हैं, डी परसेंट का डिस्काउंट, तो यहाँ से भी सेलिंग प्राइस आएगी। तो यानी कि सेलिंग प्राइस अगर निकालनी है तो वो कैसे लिख लेगी भाई, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस 100% मानेंगे तो उस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा, यानी कि 100 - D%, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस मिलेगी। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को?
तो भाई दोनों सीपी से भी एसपी पर पहुंच सकते हैं, हम एमपी से भी एसपी पर सोच सकते हैं, क्योंकि बीच का रास्ता है, बिल्कुल बीच में पड़ रही है। अब लेकिन सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन हमने एसपी तो पता कर ली, ये दोनों एसपी हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। यानी कि सीपी प्लस 100 प्लस पी परसेंट इज इक्वल टू आपका किसके हो जाएगा, एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंट। तो भाई ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिससे एग्जाम में पेपर में डायरेक्ट बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी अपॉन एमपी, जैसे आपको सहूलियत हो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 100 माइनस डी परसेंट अपॉन 100 प्लस पी परसेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी और एमपी का रेशो हो जाएगा। आई भाई बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका सीपी का और एमपी का। क्लियर बात सभी को? तो हम अभी तक प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, है ना, मार्कअप परसेंटेज, और जो आपका रेशो, कैसे रेशो में लिख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? चल अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा, एक रेशो से तुम्हें और बात समझा देता हूँ। जैसे सी पी, एस पी और एम, अगर मैं मार्कअप परसेंटेज की बात कर रहा, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 500, वही ले लेते हैं जो पहले ली थी, 1000 और आपकी 900। भाई मार्कअप परसेंटेज की अगर मैं बात कर रहा, तो 500 से वस्तु कितने की हुई, 1000। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या करा, 500 रुपये रेट बढ़ा दिया, 500 रुपये हमने रेट बढ़ा दिया। उसके बाद हमने क्या करा, 100 रुपये की छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, फिर वो वस्तु बिक गई कितने में, 900 रुपये। तो सुनो, अगर मैं मान लो तुमसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करता कि भाई बताओ मुझे प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो हमने सबसे पहले क्या करा, 500 के सामान को क्या करा, 1000 का बनाया, 500 के सामान को हमने क्या करा, 1000 का बनाया। यानी कि हमें यहाँ पर क्या लाभ हुआ, कितने का, 100% का, हमें यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100% का, निकाल लोगे वो तुम। फिर हमने क्या करा, हमें एक्चुअल नेट परसेंटेज निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज हुआ क्या। 500 से पहले हमने 1000 ही करा, 1000 से फिर हमने क्या करा, 100 रुपये का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, वस्तु कर दी कितने की, 900 रुपये। तो यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट किस पे दिया, 1000 पे, यानी कि हमने 10% का यहाँ पर क्या दे दिया, डिस्काउंट। यहाँ तो हमें प्रॉफिट हो रहा 100% का, फिर हमें क्या हुआ, 10% का डिस्काउंट हुआ, यानी कि ये वस्तु 500 की 900 में बिक गई। यही तो हुआ, 500 की वस्तु कितने में बिक गई, 900 की। तो अगर हम यहाँ से इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से परसेंटेज कितना जाएगा, 80%। पर मेरे भाई अब बताओ, अगर मैं इसको मान लो सोल्व करना चाहता हूँ, तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है? पहले तो हमने रेट बढ़ा दिया 100%, फिर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो एक के बाद एक काम किया। और सक्सेसिव हमने पढ़ा था, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही था। पहले प्रॉफिट हो रहा 100 का, डिस्काउंट दिया 10 का, यानी कि माइनस के 10, फिर माइनस 100 × 10/100। बताओ आ रही क्या बात समझ में? 100 से 100 खत्म, 100 − 20 यानी कि 80%, 80% प्लस का आ रहा है, यानी कि 80% क्या हुआ, प्रॉफिट। तो देखो नेट जो चेंज आया वो कितना आया, 80%, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता था रेशो में भी, अगर मैं लिखना चाहूँ कि सीपी से एमपी का रेशो लिखा हमने पहले, सीपी से एमपी का रेशो लिख लो भाई, 500 से कितनी हुई, 1000, तो 5 से 10 लिख दूँ, बताओ कोई दिक्कत है क्या। पहले हमने सीपी कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पर ले गए बढ़ाकर, फिर हमने मार्क प्राइस से क्या लाए, सेलिंग प्राइस पर लाए, उसको डिस्काउंट देकर। मार्क प्राइस से हम किस पर लाए, सेलिंग प्राइस पर, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना था, 10 और 9 था। अब मेरे प्यारे भाई हमें क्या चाहिए था, सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो चाहिए था, क्योंकि हमें क्या बताना था, प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। प्रॉफिट परसेंटेज कब निकलता है, जब कॉस्ट और सेलिंग पता हो। तो देखो यहाँ से जब तुम इनकी मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, क्या बचेगा, सीपी रेशो एसपी, ये 10 से 10 कट गया, क्या बचा, 5 से क्या बचा, 9 बचा। यानी कि 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इस पर, 5 पर, इंटू 100, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका, 80%। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें क्या है, सक्सेसिव ही है, ये सब तुम्हें यूज नहीं करना है ऐसे, तो जहाँ पे आएगा वहाँ पे करेंगे। ये मैंने तुम्हें एक बार बताया है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले हम मार्कअप कर रहे हैं, फिर उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस आती है। क्लियर है बात सभी को? चलो बस तुम्हें मेन चीज जो है ये वाला, ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, कहाँ पर गया ये वाला, ये है आपकी मेन चीज, इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, और जो भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आगे क्वेश्चन में तो हम फटाफट करेंगे। तो ये एक बेसिक सी जो आपकी टर्म्स थी वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करी, आई होप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और इसके बाद हम अच्छे से करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। ये देखो, इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो आपका गेन है
देखो तो जैसा कहे ऐसा लिख लो, जो गेन है आपका वो 2/7 है किसका, सेलिंग प्राइस का। आई बात समझ में? तो कह रहा है गेन परसेंटेज बताओ, लाभ प्रतिशत की गणना की। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ गेन अपॉन SP इज इक्वल टू 2/7। यानी कि इसने रेशियो दे रखा कि भाई अगर गेन 2 रुपये का है तो सेलिंग प्राइस 7 रुपये की है। अगर कोई वस्तु 7 रुपये की हम बेच रहे हैं तो हमें उस पर 2 रुपये का लाभ हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, भाई सेलिंग प्राइस ये लाभ हो रहा है, यहाँ पे 2 रुपये का लाभ कमा रहे हो तुम, तो कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 5 रही होगी कि नहीं रही होगी बताओ। जब तो 2 रुपये का तुम्हें प्रॉफिट हुआ होगा, जब तो तुमने बेची होगी ये वस्तु, ठीक है। अब हमारे से इसने क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन कितना गेन हुआ 2 का, कितने पर, CP पर, इंटू 100। यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना होगा आपका 40%। क्लियर है बात, इजी क्वेश्चन था, पर बच्चे इसमें कुछ गलती कर देंगे, वो 2/7 × 100 कर देंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल लेंगे। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी क्या है थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। चलो ध्यान से पढ़ना है, ये देखो पेपर में बहुत आता है सवाल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल, 850 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल, ठीक है। 850 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है भाई, 595 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के। तो ये इसने इनडायरेक्टली हमें CP और SP का रेशो दे रखा है, इसको फटाफट भाई रेशो में कर लो कन्वर्ट, ठीक है। देखो 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 5, 5 7 35, 100। क्लियर है बात सभी को, तो 119 और 100, देखो 17 से जाएगा। प्राइम नंबर के टेबल बार बार कहता हूँ, याद कर लो याद कर लो याद कर लो, पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। 17 23 19, भाई ये तुम्हें याद होने चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी आसान कर देंगे मज़ा आ जाएगा। 17 से देखो 7 बार, 17 से कितनी बार, 10 बार। यानी कि कॉस्ट प्राइस कुल मिला के थी 7 रुपये और सेलिंग प्राइस कितनी थी 10 रुपये, कोई वस्तु 7 रुपये में खरीदी गई, 10 में बेची गई। इसने पूछा बताओ गेन और लॉस परसेंटेज क्या है, तो गेन ही हो रहा है, गेन परसेंटेज कितना, 7 का 10 में गया, 3 का लाभ हुआ, कितने पर, 7 पर, इंटू 100। अगर याद है तुम्हारे परसेंटेज 1/7 14.28, 3/7 कितना 42.84 परसेंटेज। इसलिए एक बार देख लेना, रेशो भी बहुत काम आएगा भाई इस चैप्टर में और परसेंटेज भी बहुत काम आया, दोनों पर ही ये चैप्टर बिल्कुल टिका हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने जो प्रॉफिट लॉस देखना शुरू कर रहे हैं वो इससे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज की वीडियो जरूर देख। चलो, ए चेयर वॉज परचेज्ड फॉर इतना, परचेज फॉर यानी खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कितने में खरीदी गई, 785 रुपीज़। सारे तरीके बताऊंगा, शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट में कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, वही मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा। एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 22% और 22% के लाभ पर बेची गई, 785 रुपये में खरीदी, प्रॉफिट परसेंटेज बता रखा है कितना, 22% के लाभ पर खरीदी गई। सेलिंग प्राइस बताओ, या तो तुम इसका क्या कर लो 22% निकाल लो, लेकिन वो सही नहीं है, मैंने तुम्हें क्या कहा रेशो से करो भाई, हम CPSP हमें पता प्रॉफिट परसेंटेज 22% है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 22%, और जो 22% है आपका इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11/50, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/50। अब देखो इसको फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है समझा चुका मैं, वैसे जो अपॉन में होगा ये डिनोट करेगी हमारी चीज किसको, कॉस्ट प्राइस को, प्रॉफिट परसेंटेज में किसको डिनोट करेगी, कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य को। और जो ये ऊपर 11 लिखा हुआ ये किसे दर्शा रहा है भाई, लाभ, लाभ को किसे दर्शा रहा है, ये प्रॉफिट को, ठीक है। यानी कि अगर मैं रेशियो लिखना चाहता हूँ CP और SP का, कि 50 रुपये का सामान था उस पर हमें 11 का लाभ हुआ, यानी कि हमने कितने में बेचा, वो 61 में हमने क्या करा उसको बेचा होगा, आई बात समझ में। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 100 से लिखना चाहते हो कि 100 रुपये की चीज थी, 122 में हमने क्या कर दी, बेच दी, तो रेशो पता चल जाएगा हमें, वो कट के वही आ जाएगा 50 61, ठीक है। अब देखो कॉस्ट प्राइस ने कहा कितनी, 785, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू इसने हमें दे रखी है, कितनी भाई 785। एक यूनिट की वैल्यू लिख सकते हो आप कितनी आ जाएगी, 785/50, हमें क्या बतानी है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 61, तो 61 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो 785/50 इंटू 61। देखो 5 से 10 बार, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 7 35, 10 से जाएगा 15.7 बार, यूनिट डिजिट में मिलेगा मुझे 7, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि यूनिट डिजिट में 7 सिर्फ एक ही आपके ऑप्शन में है। तो देखो तुम्हारा कितना टाइम बच सकता है अगर तुम थोड़ी सी अप्रोच लगाओ, दिमाग को अपने दौड़ाओ, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी थी, वरना पागलों की तरह लगे रहते, मल्टीप्लाई करते, फिर आंसर लेके आते, तो ऐसा नहीं करना पेपर में, ठीक है, टाइम बचाना है। आंसर आ गया डी। चलो, मालती बोट अ टीवी फॉर 8,800 रुपीज़, मालती ने भाई एक टीवी खरीदा कितने का, 8,800 रुपये का, यानी कि वो क्रय मूल्य की बात कर रहा है,
उस प्राइस की 8,800 इंक्लूडिंग जीएसटी एट 10%, जिसमें आपका क्या है जीएसटी भी क्या है इन्वॉल्व है, कितना 10%, यानी कि इसमें इंक्लूडेड है जीएसटी। तो ओरिजिनल कॉस्ट बताओ टीवी की, अब अगर इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है टीवी की वो तो कम रही होगी भाई। अगर दुकान पे तुम कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, मान लो जूते खरीदने गए, मान लो 4,000 के जूते थे तुम्हारे, जीएसटी लग रही है उस पर कितनी, 18% जीएसटी लग रही है, तो 4,000 का 18% दोगे, 18 चौक कितना आ जाएगा, 72,720, यानी कि वो बिल में जुड़ के फाइनल तुम्हें कितना पेमेंट करना, 4,720 का पेमेंट तुमने कितने का किया, 4,720 का, तुम्हें उतने के पड़े, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या थी उसकी, 4,000 रुपये थी। तो बस यही लॉजिक यहाँ लगाना भाई, अगर मैं कह रहा कि 100 रुपये ओरिजिनल कॉस्ट थी तो इसमें 10% लगा होगा जीएसटी, तो मैं 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा, यानी कि 110 रुपये फाइनल प्राइस रहा होगा जिसमें हमने खरीदा होगा। तो बताओ इस 110 की वैल्यू तो है ये 8,800 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 80, और 100 ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी, है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000। बताओ इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या, आंसर कितना आ गया, 8,000 रुपीज़। क्लियर है बात सभी को, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इसमें, है ना। परसेंट ऐसे भी कर सकते हो, 10% का मतलब क्या 1/10, 10% का मतलब क्या 1/10, अब 10% जीएसटी लगा हुआ है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी रही होगी, 10 रही होगी, और 10 में 1 रुपया जुड़ गया होगा जीएसटी का, यानी 11, तो 11 की वैल्यू कितनी रही होगी, 8,810 की, तुम्हें निकाल कर सकते हो। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है, ठीक है, एंड सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलो, यानी कि वो कह रहा है कि एक आदमी 80 किलो चावल खरीद रहा है और उनको उस हिसाब से बेच देता है कि उन्हें 30 किलोग्राम का चावल जितने पैसे का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब मेरे प्यारे भाई मान लो चावल की कॉस्ट 1 रुपये किलो थी, तो उसने 80 रुपये खरीदे होंगे 80 किलो चावल, बताओ, और वो कह रहा है कि उसे 30 किलो का लाभ भी हो जाता है, ऐसे बेचता है कि 30 किलो के चावल जितना लाभ हो जाता है, यानी कि 30 रुपये का लाभ हो गया होगा, पता हो गया होगा कि नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज बताना, समझ गए होंगे बात, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि 30 रुपये का लाभ कितने पर, 80 पर इंटू 100, तो ये 3/8 की बात कर रहा है, जो 3/8 है ना वो कितना होता है भाई, 37.5%, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई बात समझ में, तो आसानी से तुम इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट इसने यही दे रखा था। नेक्स्ट देखो, एन आइटम इज सोल्ड फॉर इतना, बेचा गया है इतने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, ये लिख लिया करो ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, कितने में, 7,130 रुपये में आर्टिकल क्या करा गया, बेचा गया, और इस पर क्या हुआ, उसने 15% मुनाफा कमा लिया, 15% उसने प्रॉफिट बना लिया, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तुम्हारे से क्या है पूछा है। देखो अब इसको मैंने तुम्हें बताया था 15% प्रॉफिट बनाया, तो तुम कॉस्ट प्राइस को 100 मान सकते हो और सेलिंग प्राइस को कितना मान सकते हो, 115, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, या फिर तुम इसका रेशो लिख सकते हो, अगर और शॉर्ट में करना है, क्या लिख सकते हो, इसका रेशो लिख सकते हो, तो जैसे ही अब यहाँ पे तुम कंपेयर कर लेना, 115 की वैल्यू हो जाएगी ये, 100 की निकाल देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा हम रेशो से करके देखेंगे, 15% को क्या लिखते हैं हम, 3/20, जो ये बेस में होता है ये हमारी कॉस्ट प्राइस को बताता है, और ये अगर प्रॉफिट परसेंटेज है 15 तो प्रॉफिट बताएगा, अगर लॉस परसेंटेज है तो लॉस, तो यानी कि मैं सीपी से एसपी का रेशियो लिख सकता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है तो 3 रुपये का लाभ, यानी कि 23 में तुमने से बेचा होगा, तो ये रेशो होगा आपका किसका, सीपी का और एसपी का, 20:23, आई बात समझ में, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी, 7,130, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 23 * 69 और 23 * 1, 23 एक की कितनी आ गई, 310, ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6 6 2 00, तो कुछ भी तुम्हें भाई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम्हें क्या करना है, सोल्व करना है, आई बात समझ में, पहले तुम फॉर्मूला लगाओगे 15% प्रॉफिट ये वो, फिर वापस माइनस करोगे, फिर सीपी आएगी, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज और रेशो से हम इस सवालों को खत्म कर सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एज इतने एट ए लॉस ऑफ इतना, अच्छा कोई आर्टिकल बेचा गया है कितने पर, 70,150, और नुकसान कितने पर, 23.33%, बताओ कितनी तगड़ी वो दे दी इसने लॉस परसेंटेज। अब अगर तुम्हारे में दिमाग है, तुमने अगर परसेंटेज पढ़ी है सही से, तो तुम इसकी फटाफट फ्रैक्शन बना लोगे, काम खत्म, वरना 100 से इसे माइनस करोगे 23.33 को, फिर कंपेयर करोगे तो वहां से टफ हो जाएगा 100 मान के, क्योंकि हर एक सवाल 100 मान के नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, 20% + 3.33%,
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई, 20% होता है 1/5, और ये आपका होता है 1/30। ठीक है, एलसीएम आ गया कितना, 30, 5 से कितनी बार, 6 बार, ये 1 बार, यानी कि ये आ गया आपका 7/30। तो जो 23.33% था ना, उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/3, यानी कि ये तो कॉस्ट प्राइस रही होगी, और ये ऊपर वाला क्या रहा होगा, लॉस, यानी कि मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकता हूँ। कॉस्ट प्राइस अगर 30 रही होगी तो 7 के नुकसान में हमने वस्तु को बेचा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारी कितनी रही होगी, 23। आई बात समझ में? और 23 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 70,150। सवाल आपका खत्म हो चुका है, आंसर आएगा अब सीधा, 23 3 ज़ा 69, कितना बचा, 115, ये जाएगा कितनी बार, 5 बार, 1 की वैल्यू आ गई 3050। हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 30, 30 की वैल्यू बतानी है, 3 5 15, 3 3 9 00, यानी कि 91,500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितनी आसानी से आपने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया और फटाफट से आंसर निकाल दिया। ठीक है, वीडियो वगैरह सब, साउंड वगैरह सब ओके है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दी गई है कितनी, 355 रुपये, और देयर इज ए लॉस ऑफ 29%। अगर किसी वस्तु को 355 में बेचते हैं तो 29% का लॉस होता है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस में 100% मानता हूँ, ये तुम्हें डायरेक्ट सोचना, अब मैं लिख के दिखा रहा तुम्हें, 29% का लॉस हुआ होगा, यानी कि 71% क्या रही होगी, सेलिंग प्राइस, यानी कि 71% की वैल्यू कितनी होगी, 355, बताओ होगी कि नहीं। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपये होगी। अच्छा, इसने कहा टू गेन 20, अच्छा अगर ये कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% निकाल देते, 500 आंसर आ जाता, लेकिन इसने क्या कहा, टू गेन 21%, अगर 21% का लाभ कमाना है तो उसको कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। अब 21% का लाभ कमाना, तो कॉस्ट प्राइस तो हमने 100% मान रखी, तो 21% का लाभ कमाने का मतलब क्या है, वो 121% में बेचनी पड़ेगी हमें, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट 121% की। तो अब तुम्हें ये चीज़ डायरेक्ट करनी थी कि अगर 29% का लॉस है, सीपी 100% होती है, 29 गया, यानी कि 71% की वैल्यू 355, बेचनी है 21% के लाभ पर, तो 121% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो बस 121 इंटू 1% की 5, तो 121% की कितनी, 605 रुपये, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है भाई बात सभी को? तो ये आपका हो गया सवाल। ये देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 5280। एक शॉपकीपर क्या करता है, किसी आर्टिकल को कितने में बेचता है, 5,280 रुपये में, और 12% का क्या होता है, नुकसान। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, 100% मान ली मैंने कॉस्ट प्राइस, 12% का नुकसान है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 88% होगी वैल्यू, 88% की वैल्यू कितनी है, 5,280। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर वह 12% प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ से 1% निकाल लोगे, 1% कितना आ जाएगा, ये पूरे 6 बार चला जाएगा, 60। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। हमें 12% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो 100 होती है, और 100 का 12% 12 ही होगा, यानी कि 112% की वैल्यू निकालनी है। तो 6 × 12, यानी कि 6,720 रुपये आपका आंसर। तो देखो भाई, दो लाइन में तुम सीधा आंसर लिख पा रहे हो, बार बार कभी 12% निकाल लोगे इसका, फिर इसको कंपेयर करोगे 88 × 100, सीपी निकाल लोगे, फिर सीपी का फिर 12%, तो वो स्टेप तुम्हें गायब करना है, 100% की वैल्यू लिखनी नहीं है, डायरेक्ट जो पूछा है सीधा उसका आंसर हमें क्या करना है, आंसर में देना है। चलो, एक आदमी क्या करता है, किसी आर्टिकल को 5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लो अगर 100 का था तो 105 में बेच रहा होगा, लिख रहा हूँ मैं ऐसे ही अभी, और कह रहा है वो परसेंटेज लगा लो यहाँ पे ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, अगर वो उसे 77 रुपये कम में बेचता तो उसे 9% का नुकसान होता। अगर कंडीशन की बात करें, अगर 77 रुपये कम में बेचता तो 9% का नुकसान होता, कॉस्ट प्राइस तो 100% ही मान रखी, 9% का नुकसान होता, यानी कि कितने में जाती, 91% में जाती भाई, अब तो जा रही भाई 105% में एक्चुअल। अगर रेट कर देता कम, 77 रुपये कम कर देता, मान लो ये कह रहा है यहाँ से 77 रुपये क्या कर देता, कम कर देता, तो ये जाती इतने में 91% में। ठीक है, तो बताओ यहाँ से 77 रुपये कम करे, जब भी तो 91% में जा रही, तो ये गैप कितना है, 14% का है कि नहीं है, बताओ। तो यानी कि यहाँ 14% की वैल्यू कितनी है, 77 रुपये। भाई देखो सिंपल सी बात है, मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, अगर प्रॉफिट में बेचता तो गेन परसेंटेज तो यही होता, और अगर लॉस में जाती तो लॉस परसेंटेज यहाँ होता, तो ये टोटल गैप ही तो होगा जो वो रेट कम हुआ होगा। अगर मान लो कह रहा 5% के प्रॉफिट में बेच रहा, तो यानी कि इस प्राइस पे बेच रहा होगा, अब इसने कहा कि 77 रुपये कम कर दिए,
77 रुपये वस्तु का कीमत क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसे 9% का नुकसान हो रहा, यानी कि 9% का नुकसान मान लो यहाँ आ रहा होगा कहीं पे, तो यही तो हुआ, यानी कि टोटल जो है वो इतने का ही तो गैप आया, तो ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा। अगर एक साइन प्लस का है, गेन हो रहा है, और एक लॉस हो रहा है, तो दोनों का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो वैल्यू जो उनसे लेस में दे के रखेगा उसी के इक्वल होगी। ठीक है, अगर दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट में होंगे तो फिर दोनों माइनस होंगे, दोनों लॉस लॉस में होंगे तो दोनों क्या होंगे, फिर माइनस होंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में, तो 5% का नुकसान, यहाँ 9% का नुकसान हो रहा था, 5 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना था, 14% था, 14% की वैल्यू कितनी आई, 77 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5.5 रुपये। तो अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 550 आंसर होता, लेकिन इसने कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी, इसने क्या कहा उसे किस प्राइस पर बेचनी चाहिए ताकि 26% का क्या हो, प्रॉफिट, 26% का प्रॉफिट यानी कि 126% में बेचना पड़ेगा, तो तुम्हें जो आंसर है ना वो किसका निकालना है, 126 का, तो 126, 5.5 को मैं लिख रहा 11/2, 2 से कितनी बार गया, 63, और 11 तिया 33, 11 6 66 और 3, यानी कि जो आंसर होगा वो मेरा कितना होगा, 692 रुपये। आई भाई बात समझ में, क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। ठीक है भाई, 5% प्रॉफिट, और अगर 77 रुपये कम में बेचता तो 9% नुकसान, तो 105 में जाता, वैसे वैसे कितने में जा रहा, 91 में, तो ये 105 से 91 में गया, ये तो 77 रुपये कम हुए, हमारा परसेंटेज में कितना कम हुआ, 14%, तो 14% की वैल्यू 77, यहाँ से कर लेंगे सोल्व। ये देखो नेक्स्ट, एक शॉपकीपर क्या करता है, आर्टिकल को 22% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी कि 100 का सामान 122 में बेच रहा होगा। अच्छा, इफ ही बोट इट एट 12% लेस प्राइस, अगर वो इसे खरीदता ही 12% कम में, अभी तो कितने में खरीद रहा था, 100 में खरीद रहा था, 122 में बेच रहा था, अब वो खरीदी से 12% कम में रहा, 100 का 12% कितना, 12, तो यानी कि अगर वो इसे खरीद रहा है कितने में, 88 में, यानी कि अब कॉस्ट प्राइस ये होगी, अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी हमारी, 88, 12% कम में खरीद के वो इसे 25% के लाभ पर बेच रहा है, 12% कम में यानी कि 88 में खरीद के इसे 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि इसका 25% यानी कि 1/4 कितना जाएगा, 22, तो 22 रुपये के लाभ में इसे बेच रहा है, तो इसमें जोड़ दो यानी कितने में बेच रहा होगा, 8 और 2 10, यानी कि 110 में बेच रहा हूँ। आई कहानी समझ में, कोई आर्टिकल था वो पहले उसे 22% के लाभ पर बेचता है, यानी कि मान लो अगर आर्टिकल 100 रुपये का था तो वो 22% के लाभ पर यानी कि 122 में बेच रहा होगा, ये हमारी सीपी, ये हमारी एस। फिर उसने कहा, कंडीशन लगा दी कि अगर वो उसे 12% कम प्राइस पर खरीदता, यानी कि 100 का खरीद रहा था पहले, अब 12% कम पे खरीद रहा है, यानी कि अब 88 का खरीद रहा, और इतने कम में खरीद के वो उसे क्या करता, 25% के लाभ पे बेच देता, 25% का लाभ निकाल लिया हमने, 22 रुपये इसमें जोड़ दिया, यानी कि 110 में बेच देता, तो उसे पहले से 66 रुपये कम प्राप्त होते, पहले से कितने रुपये कम प्राप्त होते, 66 रुपये। देखो हो रहा है क्या ऐसा, पहले तो वो 122 में बेच रहा था, अब ऐसा करने के बाद वो 110 में बेच रहा है, पहले से कितना कम प्राप्त हो रहा है भाई, 12 यूनिट, कितना कम प्राप्त हो रहा है, 12 यूनिट, तो इस 12 यूनिट की वैल्यू तुम्हें कितनी दे रखी है, 66 रुपये, तो एक की वैल्यू यहाँ से तुम निकाल सकते हो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5.5 रुपये, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 100 रुपये, यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 550 रुपये, तो जो आंसर है हमारा वो कितना होगा, 550 रुपये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन और ये पिछले वाला। ठीक है, आई बात समझ में सभी को, चलो ऐसे लेके आया हूँ मैं क्वेश्चन, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज 7200, किसी आर्टिकल को 7200 रुपये में बेचने पर एक आदमी को लॉस होता है कितने का, 36.66% का, एट वोट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 25% ऑफ द, अगर 25% का लाभ कमाना है तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे भाई, अगर 100% मानोगे कॉस्ट प्राइस, 100 में से 36.66 घटाओगे तो 63.33 को कंपेयर करोगे 72 से, जो तुम्हारे लिए क्या पड़ेगा वो टफ, मैंने तुम्हें बताया अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 30% प्लस 6.66, ये मेरे लिए सबसे आसान ऑप्शन है, ये 3/10, बताओ 6.66 क्या था, क्या 1/15 था, बिल्कुल था है ना, 1/15 था, एलसीएम कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 30 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, यानी कि ये कितना आ गया, 11/30। अब ये सवाल चुटकियों में उड़ाया जा सकता है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस, ये लॉस की बात कर रहा था, तो 11 क्या है आपका लॉस, यानी कि मैं सीपी और एसपी का क्या लिख लूंगा, रेशो, सीपी अगर 30 है तो 11 रुपये का नुकसान, यानी कि 19 मेरी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट नहीं है किसी को भी,
और अगर गेन करना है कितने का, 25% का गेन कितने करना है, 25%। अब देखो 19 की वैल्यू कितनी है, 7200। भाई सेलिंग प्राइस 19 आई, उसकी वैल्यू दे कितनी रखी है, 7200। तो 19, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। आई बात समझ में? अब हमें बेचना है आर्टिकल 25% पर, प्रॉफिट पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30। 25% के प्रॉफिट पर भी बेचना है, 25% का प्रॉफिट यानी कि 5/4, 30 के 5/4 पर हमें बेचना है। आई नहीं होगी बात समझ में? देखो कॉस्ट प्राइस 30 है, कॉस्ट प्राइस है ना, प्रॉफिट पे कैसे बेचोगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो बेचोगे ना। कॉस्ट प्राइस का 25% यानी कि 125% निकाल लोगे इसका, जब भी तो जाएगी ये, बताओ कितना आ जाएगा, 5 × 10, 5 × 10, 75/2, ठीक है इतने में जाएगी ये। तो तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, 75/2। तो 75/2 × 1 की वैल्यू 400, तो इतने के आराम से निकाल सकते हो। क्या कर दिया, एट वॉट प्राइस वुड बी सेल टू गेन 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 25% 1/4, 5/4, सही है ना। 30 का 5/4 कितना होगा भाई, 75/2, सही है। 1 की वैल्यू, अरे गलत है, 7200 कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, ये 400 लिख रखा है मैंने, ठीक है ये नहीं कटेगा भाई। इसे आप लिख सकते हो, 1 की वैल्यू लिख लो 7200/19 लिख लो, है ना। तो 75/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/2 × 7200/19। अब ये कटे पिटेगा तो नहीं यहाँ पर, ठीक है कुछ तो दिक्कत है इसमें। 30 10 30, 3 3 9, 15 2 30, 2 1 2, 11/30। 30 कॉस्ट प्राइस, 11 का नुकसान, लॉस ही था ना, हाँ। तो 19 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू इसे चेंज कर लो भाई, है ना, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, क्योंकि ये कट नहीं रहा यहाँ पे, इसे 7600 कर लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी आपकी, और हमें 75/2 की निकालनी है, तो 75 × 150 यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा, 15,000, ठीक है। इसे क्वेश्चन को मैं एक बार देख लूँगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15,000। कोई दिक्कत, चले आगे, चलो क्लियर होगी ना बात सभी को यहाँ से। एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 13.5%, कोई आर्टिकल 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है, अगर वह 1104 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता, 9.5% का प्रॉफिट होता। क्या ये वही बात नहीं जो मैंने तुम्हें समझाई, 13.5% का तो लॉस हो रहा था पहले एक्चुअल में, और फिर 9.5% के प्रॉफिट पर क्या है, इसको बेचा जा रहा है, तो ये गैप आ रहा है पूरा, और इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1104, ये कितना हो जाएगा, 13 और 9 22, और 1 23, 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1104। तो 1% आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, 92 और 184, 184 सॉरी, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 48 रुपये, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल आपकी क्या होगी, 100%, 100% कितना हो जाएगा, 4800, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4800 रुपीज़। आई भाई बात समझ में, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये, अगर 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है तो कितने में गया होगा, 86.5% में गया होगा, अगर वह 1104 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 9.5% प्रॉफिट होता, 9.5% प्रॉफिट का मतलब 109.5 में, अब बेचा कितने ज़्यादा में उसने, 1104 रुपये में, तो यहाँ से परसेंटेज का डिफरेंस देख लो, उसी से कंपेयर कर दो तो वो यही आता है। तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर प्रॉफिट है एक एक लॉस है तो दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट कंपेयर कर लो, अगर दोनों प्रॉफिट में होंगे तो डिफरेंस करके कंपेयर करो, दोनों लॉस में है तो भी डिफरेंस करके कंपेयर करो, साइन अलग अलग तुम्हारा होना चाहिए। ये देखो टीवी सोल्ड एट ए गेन ऑफ 8%, यानी कि 100 का 108 में चला गया होगा, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714, अगर वह 714 ज्यादा में जाता तो गेन कितना होता, 15%। अब देखो ये करने की जरूरत नहीं है, गेन यहाँ पे 8, यहाँ भी गेन है, यहाँ भी गेन है, तो जब दोनों में गेन होगा तो डिफरेंस करो, यानी कि 7%, 7% की वैल्यू कितनी, 714, तो 1% की वैल्यू कितनी, 102 रुपये।
यहाँ से ये चीज़ आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई होगी 10,200, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब सेलिंग प्राइस बताना है टीवी का, अगर गेन कमाना है कितना लाभ कमाना है 18% का, 18% का लाभ कितना होगा 118%, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो 118 × 102 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, लास्ट में क्या आना चाहिए 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे होगी बात समझ में, देखो एक जैसे जैसे क्वेश्चन हो गए समझ में आ रहा होगा। ये देखेंगे, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 12.5% प्रॉफिट, कोई आर्टिकल 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, इंस्टीड ऑफ इतने परसेंट लॉस, बजाय इतने परसेंट लॉस के, तो एक आदमी को इतने रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे एक गेन है और एक लॉस है, लेकिन एक 12.5% है, एक 16.66% है। अब तुम इन दोनों को ऐड कर लोगे, लेकिन फिर कैलकुलेशन में क्या आएगी, तुम्हें आएगी दिक्कत। तो जब भी ऐसा सवाल आए, ये देखो 12.5% था और ये 16 सही 2/3% है, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कुछ ऐसा नंबर मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये 1/8 होता है और ये आपका कितना होता है 1/6, तो 8 और 6 का एलसीएम लो, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है ना उसे मैं कितना मान लूंगा 24। आई बात समझ में, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया 24। अब देखो 24 का 1/8 गेन की अगर मैं बात करूं, 1/8 निकालोगे वो कितना आएगा 3, और लॉस अगर लॉस में बेचते इतने परसेंट, लॉस कितना है इसका 1/6, लॉस कितना होता है मेरे प्यार भाई 6 × 24, यानी कि 4 यूनिट। अब एक तो गेन हो रहा है एक लॉस हो रहा है, दोनों डिफरेंट साइन के, तो दोनों को प्लस कर दो, यानी कितना हो गया 7, और 7 यूनिट की वैल्यू इसने हमें कितनी दे रखी है, आदमी को इतने रुपए ज्यादा मिलते 1533, यानी कि 1533। यहाँ से तुम्हारी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 16, एक की वैल्यू कितनी आ गई 219। कॉस्ट प्राइस बता दिए, कॉस्ट प्राइस हमने कितनी माननी थी 24, तो हमें 24 की वैल्यू बतानी है, तो 219 × 24, 9 × 4 = 36, यूनिट डिजिट में आएगा 6, ऑप्शन अच्छी बात है एक ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे अगर हम देखो 100 मानते तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने क्या करा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा और सीपी को एक ऐसा नंबर मान लिया जो दोनों से क्या हो कटता हो, बस फिर ये यूनिट्स आई इसका, क्योंकि गेन और लॉस था तो डिफरेंस दोनों को प्लस करा और ये वैल्यू हमें दे रखी थी कितने रुपए ज्यादा मिलने थे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये सवाल एक गड़बड़ रहा, इसमें मैं देखता हूँ, ठीक है, इसमें क्या होगा, और ये मेरे ख्याल से सही है, बस यहाँ पे इसमें मिस्टेक है कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने 36.66% है तो सही सोल्व किया हुआ है, 3/10 होता है, और 6.66% 1/15, क्योंकि 15 × 6 = 90 और 2/3, बिल्कुल सही है ना, एलसीएम भी सही ले रखा है, 10 * 30 = 30, 3 * 3 = 9, 15 × 2 = 30, 9 और 2 = 11, 30 का हमारा लॉस होके 11 चला जाएगा तो 19 बचेगा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 19 ही आ रही है और 1972 से कटने का नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्या होगी दिक्कत आएगी, 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200, एक की कितनी हो जाएगी 7200/19, है ना, और हमें बतानी है 25% का लाभ कमाने के लिए, 25% पहले सीपी की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 25% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो यानी कि इसका 125% 5/4 भी करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार सोल्व करके, जाएगा तो नहीं वैसे, जहाँ तक है 4 1 = 4, 4 8 = 32, 1800, अब 1800 तो कहीं से कहीं तक कटेगा नहीं 19 से, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, तो इसे एक बार चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये भाई आपका सेशन है, आई होप सभी को चीज़ें पसंद आई होगी, इसको भाई एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो तुम्हारे लिए, ठीक है। सारा बेसिक मैंने स्टार्टिंग में तुम्हारा क्लियर किया है और ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन।